हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आई एम अब्दुल्ला यूर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टूटोरिया डॉट पी के एंड टूडे नॉलेज टेक अ स्टार्ट ऑफ चैप्टर थर्टीथ ऑफ योर ग्रेट टेंथ तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम है बायो केमिस्ट्री जिसके इंट्रोडक्शन में हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे उसके बाद प्रोटीन्स को हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं उनके सोर्सेज एंड यूजेज क्या होते हैं फिर हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे लिपिड्स के सोर्सेज एंड यूजेज को देखेंगे फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे और उनके सोर्सेज एंड यूजेस देखेंगे और लास्ट में स्टूडेंट हम वाइटामिनस को कवर करेंगे तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स से सो तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए है कि ये मोस्ट अबंडेंट क्लास हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के और जिनका जनरल फार्मूला होता है सी एक्स एच टू ओ वाई पे फॉर्मुला में देखें एच टू ओ आ रहा है इसका मतलब ये ये हाइड्रेट्स हाइड्रेट्स हैं तो ऑफ कार्बन होते हैं कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होती है इसकी लेकिन फार्मूले की वजह से हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जा सकता है तो स्टूडेंट्स आपने अपने प्रीवियस ग्रेड में एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि प्लांट्स डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैं रिएक्शन लिखता हूँ देखें मैं आपको समझ आ जाएगी कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ कि देखें सिक्स एच टू ओ ये रिएक्ट करते हैं सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और यहाँ पे आपको मिलता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एंड प्लस सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पर मिलते हैं ऐसा सुरंट होता है सनलाइट की मौजूदगी में यानी डे टाइम में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्लोरोफिल तो ये रिएक्शन आप अपने प्रीवियस ग्रेड में कहीं पर पढ़ते भी आए हैं सो प्लांट्स कन्वर्ट कर रहा होता है एक्चुअली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये C6H12 एक्चुअली क्या चीज़ है ये ग्लूकोज है सो ग्लूकोज याद रखें स्टूडेंट ग्लूकोज एक्चुअली क्लास ऑफ हाइड्रोकार कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मुला एक्चुअली यहां पर ग्लूकोज है तो स्टूडेंट आपको कार्बोहाइड्रेट का कुछ समझ आ गया होगा कि प्लांट्स की एक्चुअली प्लांट्स उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट मैनुफेक्चर कर रहे होते हैं सो तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं कि ये मोनोमर्स होते हैं और पॉलीमर्स होते हैं अल्डीहाइड्स और किटोन्स के अब अल्डीहाइड्स और किटोन्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि अल्डीहाइड्स और किटोन्स क्या होते हैं और उन्हीं के मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आइए स्टूडेंट अब हम कार्बो Hydrate की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तीन मेजर क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की जिसमें सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स आते हैं फिर ऑलिगोसेक्राइड आते हैं उसके बाद इनमें पॉलीसेक्राइड्स आते हैं तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता अब यहां पे हाइड्रोलिस का या हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है कि वाटर की मौजूदगी में किसी चीज की ब्रेकेज होना मॉलिक्यूल की ब्रेकेज होना तो जो आपकी मोनोसाइक्राइड है वो वाटर की मौजूदगी में ब्रेकेज उनकी नहीं होती इसलिए हम इसको कहते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज लेकिन ओलीगोसैक्राइड और पॉलीसाइक्राइड उनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है यानी वाटर के साथ इन कंपाउंड को मिलाएंगे तो वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएंगे फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं मोनोसाइक्राइड उसमें तीन से लेकर छः कार्बन एटम हो सकते हैं और मैं यहां पे आपको बात बता बताता चलूं अगर मोनोसैक्राइड में तीन कार्बन एटम है तो उनको हम एक्चुअली ट्रायोज triose कहेंगे ट्रायोजिस भी कह सकते हैं अगर चार कार्बन एटम है तो उनको हम टेट्रोज भी बुला सकते हैं लाइक like दिस फिर पांच कार्बन वाले को हम पेंटोज बुला सकते हैं इसी तरह अगर छह कार्बन वाला आपके पास हो मोनोसेक्राइड तो उनको हम हेक्सोज बुलाएंगे सो अब आपको समझ आ जाएगी कि जो मैंने पिछले आपको एक रिएक्शन बताया पिछली स्लाइड में सी सिक्स एच ओ सिक्स वहां पर क्योंकि छह कार्बन है सो इसका मतलब वो हेक्सोज है यानी ग्लूकोज आपका एक्चुअली हेक्सोज हो जाएगा फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑलिगोसेक्राइड है, की ओलीगोसैक्राइड में दो से नौ मोनोसेक्राइड के यूनिट्स होते हैं अब ऐसा क्योंकि स्टूडेंट ओलीगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है और आपको मोनोसेक्राइड वहां पे मिल रहे होते हैं अब अगर आपको दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं ओलीगोसेक्राइड एक ऐसा ओलीगोसेक्राइड की जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही हो और आपको दो मोनोसेक्राइड मिल रहे हो तो उसको हम डाई बुलाएंगे और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी अगर वो तीन आपको दे रहा है मोनोसेक्राइड तो उसको हम ट्राई बुलाएंगे इसी तरह आपको अमाउंट दे रहे हैं तो हम उसको पॉलीसेक्राइड भी बुलाते हैं अब आ गया पोलीसेक्राइड देखिए स्टूडेंट पॉलीसेक्राइड को भी अभी मैंने बताया उसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है और उसमें 10 से लेकर हजार यूनिट हो सकते हैं मोनोसेक्राइड के सो आप यहाँ से रख सकते हैं कि ये काफी लार्ज मॉलिक्यूल होंगे तभी हम इसको पोलीसेक्राइड कह रहे हैं आइए फिर सुरोसेक्राइड की मजीद बात करें थर्ड पे हम देखें तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसके अलावा ओलीगोसेक्राइड ये भी आपके वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं लेकिन जो आपके पॉलीसैक्राइड हैं वो अमार्फा सॉलिड्स होते हैं अब क्रिस्लाइन और अमार्फा सॉलिड में पहले मैं आपको फर्क बता चुका हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक दफा रिवाइज कर देता हूं ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम मॉलिक्यूल और आइंस की जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न से होती है लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता एक इर अरेंजमेंट होती है वहां पर ऑर्डर नहीं होता एटम मॉलिकुलर और आइन इर अरेंजमेंट से अरेंज हुए हुए होते हैं इन थ्री डायमेंशनल स्पेस तो ये फ़र्क है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में फिर सुरान हम बात करें अगर टेस्ट की तो मोनोसक्राइड की अगर आप टेस्ट देखें तो ये स्वीट टेस्ट होता है जैसे हम अगर बात करते हैं ग्लूकोज़ की तो वो आपका स्वीट टेस्ट होता है फिर अगर ओलीगोसैक्राइड की बात करें तो ये भी स्वीट टेस्ट होता है लेकिन पॉलीसैक्राइड आपके टेस्ट लेस होते हैं फिर स्टूडेंट की सॉल्युबल इन वाटर है मोनोसेक्राइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ओलीगोसेक्राइड भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पॉलीसक्राइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं फिर अगर हम नेचर की बात करें तो मोनोसेक्राइड में क्योंकि स्टूडेंट फ्री अल्टीहाइड एंड फ्री कीटोन होते हैं तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर है अब रिड्यूसिंग इन नेचर का क्या मतलब है कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है स्टूडेंट जो मैंने आपको नाइन्थ क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो होगा और यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा तो ऐसे सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं अगर आपको ये भूल रहा है तो आप मेरे नाइन्थ ग्रेड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर सकते हैं तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ओलिगोसेक्राइड भी रिड्यूसिंग नेचर में होते हैं लेकिन पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं फाइनली स्टूडेंट जो मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें ग्लूकोज आता है मेनोज आता है और आपका गलेक्टोज आता है ये डेक्सट्रोज शुगर होती हैं अब डेक्सट्रोज शुगर क्या होती है स्टूडेंट हर वो कंपाउंड डेक्सट्रो रोटेटरी होते हैं कि जिनमें से जो प्लेन पोलराइज लाइट हो वो रोटेट हो जाए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इन कंपाउंड की ये एबिलिटी होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को मैं आसान लफ्जों में आपको यूं कर देता हूं कि जैसे लेजर लाइट होती है कि उसके वो देखें वो एक ही प्लेन में होती है एक स्ट्रेट वे में जा रही होती है तो उसको ये रोटेट कर देते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सो so, ऐसे कंपाउंड आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं तो so, तभी हम उसको कह रहे हैं कि ये क्या कहलाते हैं शुगर होपफुली स्टूडेंट आपको क्लासिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ आ गई होंगी